Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is me, Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, आज का video होने वाला है एक बहुत ही affordable product का review. By this time आप लोगों को title से तो पता ही चल गया होगा कि मैं किस product का review करने वाली हूँ. तो guys, yes, I am going to do review of this Swiss Beauty Shape My Brow पाउडर. सो ये गाइज एक छोटा सा पैलेट है जिसमें आपको 3 ब्राउ पाउडर्स और एक वैक्स क्रीम मिल जा रहे हैं. तो आज मैं करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का रिव्यू. सो अगर गाइज आप लोग इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में, सो लेट जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो. So guys, this is how the packaging looks. Beautiful से black color के packaging है इसकी और बहुत ही luxurious और बहुत ही अच्छी packaging है ये. तो guys, इसके front में आपको दिख जाएगा इसका नाम और क्या product इसमें है वो mention है, that is Swiss Beauty and Shape My Brows. और इसके back side में guys आपको basic सी इसके बारे में details मिल जाएंगी, net grams क्या, expiry date क्या है, वो basic details वगैरह यहाँ पे बैक साइड में आपको मिल जाएगी. तो गाइस मैं प्रोडक्ट ओपन करूं तो यहाँ पे गाइस आपको इस तरीके से ब्यूटीफुल से लग्जूरियस पैकेजिंग में प्रोडक्ट रिसीव होता है. तो गाइस इसकी जो पैकेजिंग है ब्यूटीफुल से रिफ्लेक्टिव ग्लास टाइप की पैकेजिंग है. ऑल्दो ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक ही है, बट बहुत ही अच्छी सी पैकेजिंग हो रखी है इसकी. और इसका साइज जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत ही छोटू सा है कि आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, बट इसका साइज जो है बहुत ही डिसेंट साइज है. आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है. अगर मैं अंदर गाइस ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरीके का आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जा रहा है. और यहाँ पे आपको पहले ये लिड मिलती है प्लास्टिक की और यहाँ पे आपको ब्राउ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. यहाँ पे जो शेड है वो है 01, जिसमें आपको कुछ डार्क कलर के शेड्स मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको 3 ब्राउ पाउडर्स मिल रहे हैं और एक वैक्स क्रीम मिल रही है. और गाइस यहाँ पे आपको एक डिसेंट साइज का मिरर मिल जा रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अपने ब्राउज को शेप कर सकते हो यूजिंग दिस मिरर. तो गाइस मेरे पास जो शेड है वो है 01, जिसमें डार्क शेड्स ज़्यादा हैं टूवर्ड्स ब्लैक और ग्रे साइड में, बट जो 02 है वो है टूवर्ड्स ब्राउन टोन्स में. तो वहाँ पे आपको लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और एशी ब्राउन टाइप के शेड्स मिल जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है ब्लैक, एक ग्रे है, ब्राउन है. तो यहाँ पे मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ. सो दिस इज द ब्लैक शेड, दिस इज द ग्रे वन और ये है ब्राउन कलर. तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से ये पिगमेंटेड है, बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो. तो गाइस मैं बताना चाहूँगी जिसके आईब्रोज बहुत ही डार्क शेड में हैं वो जा सकता है 01 शेड के लिए, और जिसकी आईब्रोज जो हैं वो लाइट शेड में हैं, ब्राउन टोन्स में जाती हैं, तो वो 02 लेगा तो ज़्यादा प्रेफर करेगा. तो गाइस यहाँ पे मैं 02 का शेड चार्ट लगा दूंगी, तो आप देख सकते हो कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा. गाइस इस प्रोडक्ट में आपको साथ में एक ये छोटू सा ब्रश भी मिल जा रहा है. तो ये एक एंगुलर ब्रश है, इसमें स्पूली नहीं दी हुई है. इसमें अगर स्पूली दी हुई होती ना तो वो और भी प्लस पॉइंट हो जाता, क्योंकि आप इस वैक्स जेल को बहुत ही इजिली उससे अप्लाई कर सकते थे. बाकी बात नहीं गाइस, 249 रुपीज में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो. यस गाइस ये केवल 249 रुपीज का है, बट अगर आपको स्विस ब्यूटी पे सेल मिल जाती है जो कि ऑलमोस्ट नायका, अमेजन या पर्पल पे हमेशा ही रहती है, तो ये आपको 187.90 समथिंग के रेंज में मिल जाएगा. तो गाइस मैं इस ब्रश के बारे में बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा ब्रश है. एक मैं आपको इसका स्ट्रोक दे करके दिखाती हूँ, तो आप देखो इस तरीके का पतला स्ट्रोक आ जा रहा है इससे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है. आप इजीली इससे अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हो, जितना मिनिमम स्ट्रोक रिक्वायर्ड है अच्छे से स्ट्रोक दे रहा है ये. बस ये छोटू सा ब्रश है गाइस. तो गाइस जिनके हाथ बड़े हैं उनके लिए ये परफेक्ट साइज नहीं है, उन्हें बड़े ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी. गाइस ये हो गई इस प्रोडक्ट के बारे में बेसिक डिटेल. अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन, मैंने इसको कैसे अप्लाई किया है. तो
गाइस यू कैन क्लियरली सी कि आईब्रोज कितने अच्छे से हो गई हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है और इसकी जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो जितने भी शेड है, मैंने यहाँ पे ये वाला शेड यूज़ किया है और ये ग्रे कलर का शेड यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे से हो गई है, बहुत ही नेचुरल लग रही है, पिगमेंटेड है। और गाइस ये जो ब्राउ पाउडर्स है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही इजीली जो है वो ब्लेंड हो जा रहे हैं, बहुत ही इजीली ग्लाइड ऑन कर रहे हैं, अच्छे से आप स्ट्रोक्स दे पा रहे हो, तो बहुत अच्छा सा नेचुरल इफेक्ट आया है मेरे आईब्रोज का इसके यूज से। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कि ये जो ब्राउ पाउडर्स है वो कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। अब हम ट्राई करते हैं ये आईब्रो वैक्स को। गाइस मैं यहाँ पे स्पूली ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पूली दी नहीं हुई है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे इस तरीके से लूँगी और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट ये ले लिया है और अब मैं इसको बस इजीली ब्रश करूँगी। सो गाइज यू कैन सी, आप देखो कितने अच्छे से मेरे आईब्रो के जितने भी हेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं, एक प्रॉपर शेप में लग रहे हैं। अभी मेरी जो आईब्रोज हैं गाइज यहाँ पे प्रॉपरली क्लीन नहीं है, अभी थोड़ी मेरी आईब्रोज की ग्रोथ हो रखी है, उसके बावजूद देखो आप कितने अच्छे से मेरी आईब्रोज सेट लग रही है। तो गाइज इस प्रोडक्ट ने बहुत ही अच्छे से मेरे आईब्रोज को शेप कर दिया है और एक नेचुरल कलर दे दिया है, जितने भी एरियाज है स्पार्स एरियाज को अच्छे से फिल कर दिया है। और अगर मैं वैक्स के बारे में बात करूँ ना तो बहुत ही अच्छा वैक्स है गाइज, अफोर्डेबल रेंज में आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके स्टे की बात करूँ ना तो गाइज इस अफोर्डेबल रेंज में आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल जा रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी जो हाई एंड ब्राउ प्रोडक्ट्स और ब्राउ वैक्स आते हैं ये उस लेवल का है, उसके टक्कर का है, क्योंकि वो वैक्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टे करते हैं, बट ये जो है आपका बहुत आराम से 2-3 घंटे 4 घंटे तक आपके आईब्रोज पे स्टे करेगा। उसके बाद जिनके आईब्रो हेयर्स जो है बहुत थिक है उनको ये बहुत देर तक सेट करके तो नहीं रखेगा, बट मेरे आईब्रो हेयर्स जो हैं वो बहुत थिन हैं और बहुत पतले हैं, तो उस हिसाब से ये मेरे आईब्रोज के लिए काफ़ी डिसेंट है। गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो ब्राउ प्रोडक्ट है वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो अगर आप इसके ऊपर वाटर डालते हो और फिर उसके बाद आप इसको क्लीन करते हो तो फिर वो इजीली क्लीन हो जाएगा। बट गाइस ये वाटर रिपेलेंट है, विच मीन्स कि अगर इसके ऊपर पानी आता है या फिर आपके ऊपर स्वेट वेट आ जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है वो निकलने लग जाएगा। अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हो, उसको आप किसी कपड़े से पोंछते नहीं हो, तो ये स्टे करेगा अच्छे से। तो इसको मैं टच करके दिखाऊं गाइस, तो आप ये देखो ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग गाइस ये प्रोडक्ट जो है वो सही है। आप देखो ऑलरेडी मेरे फेस जो है थोड़ा स्वेटी है, तो ये जो है बह नहीं रहा है मेरे फेस पे। तो गाइज ये वाटर रेपेलेंट है बट वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आप बारिश वगैरह में जाते हो और अपने फेस को उसके बाद आप क्लीन करते हो तो ये डेफिनेटली जो है वो क्लीन हो जाएगा आपके फेस से। सो गाइज ये हो गई ओवरऑल इस आईब्रो प्रोडक्ट की बात। तो इन माई ओपिनियन ये ब्राउ प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको पता ही होगा कि मैं पेंसिल से ज़्यादा जो है प्रेफर करती हूँ ब्राउ पाउडर को यूज़ करना, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसकी वैक्स जो है जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी डिसेंट है, तो अगर आप अफोर्डेबल रेंज में कोई आईब्रो प्रोडक्ट और आईब्रो वैक्स चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो। अपने आईब्रो शेड के अकॉर्डिंग 01 या 02 शेड जो आपको बेटर लगे आप वो अपने लिए परचेज कर सकते हो। तो गाइस इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हो तो आप उस लिंक से परचेज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, अगर रिव्यू पसंद आया है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और या और गाइस आप ये भी मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में कि आप अगला किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू गाइस अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई विल सी यू गाइस अप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, लव यू।